नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। आज मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग अपनी समस्या को लेकर पहुंचे थे। देवरिया की एक महिला पहुंची थी सीएम योगी आदित्यनाथ के पास अपनी समस्या को लेकर, लेकिन उस महिला का क्या कहना ये देखते है। देवरिया रामपुर का कहना है, रामपुर हमारा चौकी है, धरनिया समोगर से मैं आई हूँ। हमारा जेठ जेठानी, उनका 3 लड़का एक बहू, हम लोग को हमको टांग के लेके घर में बंद करके मार दिया लोग। फिर देखा लो इसको होश नहीं है तो बाहर ला के फेंक दिया लोग। यही लड़का मैं कहाँ से आया तो हमको टांग के हाथ देवरिया सदर हॉस्पिटल में लेके गया, एम्बुलेंस बुलाया। 15 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, न कोई बाबा आया, न कोई पुलिस आया, न दरोगा आया, न कोई आया। कोई आपको किस लिए मारा गया? किस लिए मारा गया? रास्ता के लिए मारा गया है। और आप वहाँ पे थाने नहीं गए थे? रामपुर का खाना जो थाना आई थी, हमारा आदमी को 2 दिन बंद करके उसी में रख दिया लोग। फिर हमारी लड़की लोग बम्बई से आई तो छोड़ा के लाई, तो हम लोग हॉस्पिटल में अभी एडमिट है, 15 दिन हो गया। ये 24 तारीख का बात है बाबू। यहाँ सीएम साहब से मिली? हाँ, एसपी से मिले, वही तो थोड़ा। यहाँ 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 सीएम से मिले? यहाँ किससे नहीं मिले। यहाँ पर किसी कोई सुनवाई हुआ कि नहीं? यहाँ आज रात का ही नहीं है बाबू, यहाँ कुछ नहीं, क्योंकि हमको मालूम नहीं भाई के कर लगे जाए के कर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।